ये देखो बालकनी का सीन भाई, आज फौरा चेंज, हम चलाते हैं थार। अरे ओ भाई साहब, अरे छोड़ दो। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अ चेंज। मैं हूं रुचिर। जिम चल रहे हैं जी, और घर पे थोड़ा सा काम भी हो रहा है, दिखाता हूं आपको। ये देखो बालकनी का सीन। एक्चुअली ये जो आउटलेट है, ये नीचे जाके ना कहीं ब्लॉक हो रहा था, तो फर्स्ट फ्लोर में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसका सोल्यूशन वही था कि इसको नया करना था, तो अब वही करवा रहे हैं। सब टूट फूट हो चुकी है। ये सारा वही काम चल रहा है आउटलेट का। यार इसकी जो आवाज़ है ना, सही लगती है, है कि नहीं? जिमनी आ चुकी है भाई ऑन रोड। क्या बात है जी, डिलीवरियां मिलनी मतलब स्टार्ट हो गई हैं। भाई आज फौरा चेंज, हम चलाते हैं थार। चलो जी, बाजार के कुछ काम है वो निपटा के आते हैं। आपके सोचते हो गए यार इनके रोज ही कुछ काम रहते हैं बाजारों के, पर मैं बोलता हूँ ना, शॉपिंग और काम इनके ख़त्म नहीं होते भाई। पापा की परी को देख लो, पापा ने कैसे लगाया है। मैंने लगाया, अगर ये टायर में कुछ भी हुआ तो ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी है। हाँ जी, क्या हाल चाल है? मम्मी को नींद दो। पूरी लेट गई थी, सुस्ती आई रही थी। तो बारिश आ रही थी वहाँ पर? अरे बहुत तेज बारिश थी, दो ढाई बजे से जो बारिश शुरू हुई ना। हाँ। और अभी बस हमारे निकलते निकलते तक हल्की सी थोड़ी सी कम हुई थी। अच्छा, यहाँ नहीं हुई आज? यहाँ बन रहा है मौसम, लेकिन इतना कुछ है नहीं खास। वैसे मेरे को लगता है गुड़गांव में कंपैरेटिवली ज्यादा ही, गुड़गांव में ज्यादा होती है बारिश। भाई ये जो रेड लाइट है, इसमें ना आप एक बार में निकल ही नहीं सकते, हमारे घर के पास है। दो बार में निकलते हो मिनिमम, क्योंकि ये सेकंड्स में अच्छा, क्योंकि ये सेकंड्स में मतलब रेड हो जाती है। अच्छा, और दूसरा क्या है, अरे भाई साहब बात तो करने दीजिए। मैं बताना चाह रहा था कि येलो पे भी, अमेर मेरी बात सुन लो पहले। हाँ, इसमें खासियत क्या है कि चारों तरफ मतलब टाइमिंग की इतनी प्रॉब्लम है कि किसी भी तरफ अगर आप हो ना, आप दो या तीन बार में निकलोगे। हाँ ये भी है, जब हम उधर से आते हैं तो भी दो तीन बार में निकलते हैं, इधर से आते हैं तो भी उधर। अब मैं बोलूं? Yes. मैं ये कह रहा था कि जैसे ना बंदे क्या करते हैं, येलो पे निकाल लेते हैं, जैसे येलो होती है निकाल लेते हैं, बट येलो पे निकालना भी चलान होता है। मैं एक बार निकाल ली थी मैंने भी येलो पे, लेकिन चलान हो गया था अपना। पकड़े जाओ तो हाँ, मतलब चांस की बात है। आपकी किस्मत अच्छी है और बंदे का मूड अच्छा है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो यहाँ पे खड़े हैं सारे। वायलेशन करना नहीं चाहिए। वायलेशन क्यों करेंगे, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। पीछे एक ही बात पे डिस्कशन इतने दिन से चल रहा है कि साक्षी तू इधर बैठा कर, मैं इधर बैठूंगी, क्योंकि क्रॉस मतलब वाइस वर्सा, इधर से उधर क्रॉस। हाँ मम्मी को ये की, हाँ मम्मी को ये की साक्षी नहीं आती व्लॉग्स में ना, क्योंकि ये शिकार में ना इस साइड बैठती तो ये छुप जाती है। नहीं, और मुझे ये लगता है कि इधर बैठना ज्यादा पसंद है। नहीं नहीं, मुझे ये लगता है कि जब रुचिर इस तरफ थोड़ा सा भी आंख घुमाए तो उसको साक्षी दिखे। अरे क्या बात है, मैंने मिरर में दोनों को कैप्चर कर लिया। और बताओ, और ये पूरा का पूरा इनका जो कलेक्शन है, और इनका अच्छा इनका ड्रेस मटेरियल है, और इनका काफी स्पेशलाइजेशन है वेडिंग ड्रेसेस में और सब में।
बाकी आपको कितना, काफी साल हो गए ना यहाँ पे? यहाँ पे अभी दो तीन साल हो गए ना। और बाकी आपका हर तरह के आप स्टिच कर लेते हैं तो आप दिखाओ जैसा डिजाइन पसंद है। और ये आपका ये लहंगे वगैरह चोली वगैरह आते हैं सब ना? हाँ सर, जो भी डिजाइनर वेस्टर्न सारे सब सब नहीं, हमने देखा था आपका कलेक्शन वहाँ पे ऊपर भी ना काफी अच्छा था, तभी हमने आपको फिर बता के दिया था। भाई आज नई मार्केट एक्सप्लोर करने निकल गए, ऐसी घूमते घुमाते ही हमारे घर के पीछे ही है एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, खाने पीने का भी है। और ये देखो यहाँ पर फिर बुटीक में घुस गए हैं। है तो यहाँ पे भी सब कुछ, भैया मैं और पापा ना तब से वेट कर रहे हैं और ये लोग पता नहीं कहाँ अटक गए। कोई एक बुटीक पे तो गए थे, बुटीक ही है ना, हाँ बुटीक पे गए थे कुछ कपड़े कुपड़े देखने, ऐसे ही घूमते घुमाते। और दोनों मतलब ये लगा लो 15-20 मिनट हो गए हैं हम लोग यहीं गाड़ी में बैठ गए हैं आके थक हार के कि भाई अब वेट करते हैं, पता नहीं क्या लेने लग गए। जाना था कुछ खाने पीने, अटक गए कपड़े की खरीदारी में, क्या कर सकते हैं। या फिर इतना टाइम भाई साहब हम पापा और मैं तो थक हार के गाड़ी में आके बैठ गए। अरे तो टाइम तो लगता है, वो भाई साहब से एक्चुअली हमें दिखाया नई मार्केट का नई जगह है तो रुक गए और वो अच्छा था कलेक्शन तो। भाई गाड़ी का सीन कुछ ऐसा है, ये है ना कुछ कीड़ा आ चुका है यहाँ पर शिकार होने जा रहा है। अरे ये एकदम इधर चपके बैठ गई है, छिप गया है, कहाँ गया? मम्मी बोल रहा पीछे है, पीछे इधर ना आ जाए वो मरे था क्या? ओ भाई साहब अरे थोड़ी थोड़ी तो रैम, अरे इतनी बेरहमी से मत करो उसको, क्या कर रहे हो बिल्कुल ही वो उसके अंदर गया, कहाँ गया मारा, चलो छोड़ो अब कहीं ना कहीं रहेगा वो। मच्छर नहीं आ गया गाड़ी में, झल खलेर दिया है पीछे, पूरा खलेरा हो गया है। पीछे वाली गाड़ियों के सोच रहे होंगे पता नहीं ये दोनों कर क्या रहे हैं बैक मिरर में। चला जाता है उसके अंदर वो थोड़ी सी जगह, फिर उसके बाद बाहर निकल आता है थोड़ी देर के बाद। और अब मैं ना सही बताऊं तेरे को, अब वो अरे छोड़ दो कुछ नहीं कहेगा वो, नहीं कहेगा तो जब कहेगा तब भी तो तब देखेंगे, छोड़ दो। सास हो या बहु SIP है सबके लिए। क्या हम खड़े होके फोटो खिंचाने? खड़े होके फोटो खिंचवाओ, खड़े होके फोटो खिंचवाने। मम्मी पापा को हमने घर छोड़ दिया, हम जा रहे हैं कुछ खाने का पदार्थ लेने, कुछ खाते हैं बढ़िया सा, या तो डिसाइड करना बाकी है जी क्या खाएंगे, या तो अपना मोमोज इसके फेवरेट या समोसियाँ है ना जी। फाइनली अपना खाने का सामान आ गया, हमने लिया है समोसे प्याज वाली कचौड़ी। हाँ जी समोसे और प्याज की कचौड़ी। भाई अब जाके टाइम मिला, इन सबने तो खा लिया है, खा पी के बैठ गए, अब मेरे को टाइम पी भी रहे हैं, हाँ पी भी रहे हैं, अब अपने को चाय, हाँ चाय ऑब्वियसली, वो सबको पता है कि मम्मी को चाय पसंद है, कितनी भी पार्टी चल रही हो कोई भी लेवल की पार्टी चल रही हो 8-9 बजे भी आए ना कहीं तो चाय करना चाय, हाँ मतलब वो मम्मी का फिक्स है कि कितनी भी कैसी भी पार्टी हो कहीं भी कुछ भी चल रहा हो कितने तरह के जूस कितने तरह की कोल्ड ड्रिंक पर नहीं, पर मम्मी को चाय है जी, वेरी रेयरेस्ट ऑफ द टाइम्स। देसी नहीं होना भी चाहिए, देसी बंदे हैं, चाय पियो जी बढ़िया। तो जी अपनी ये चल रही है, अब इसके अंदर क्या थोड़ी सी ना चटनियाँ डालते हैं तभी तो स्वाद आएगा इसका। ये है जी अपनी मिठी चटनी, मिठी वाली हैगी जी, हरी चटनी। हरी चट किसके साथ? मतलब ये समोसे वगैरह के साथ तो नहीं, नहीं हरी हरी और हाँ मतलब मोस्टली जगहों पे मतलब मीठी वाली मिलती है मोस्टली जगहों पे, पर अपने को ये और वो मिक्स करके ही मजा आता है। कोटा में तो जो खाते हैं ये अपनी क्या कहते हैं कचौड़ी, उसके साथ तो वो हरी चटनी भी होती है, हरी चटनी बहुत स्वाद होती है, हाँ आया ना स्वाद। चलो जी फिर करते हैं एंड इस वीडियो को, इस ब्लॉग को, मिलते हैं कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चेंज। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो क्या करना है जी, लाइक करना है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, ठीक है जी, और कीप शेयरिंग द वीडियो। बाकी अगर कोई सजेशंस और फीडबैक्स हो
कमेंट करना, लाइक नहीं कमेंट करना बहुत भूलिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी कल, कुछ ही घंटों की बात है फिर मुलाकात होगी आपसे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और भूलना नहीं है फॉर चेंज, देखना जरूर है। चलो भाई।